अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि 22 अगस्त से पीसीसी लागू हो चुका है। जो लोग सऊदी अरबिया में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, नए वीजा पे आ रहे हैं, उनको पीसीसी करवाना जरूरी है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो लोग सऊदी अरबिया में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पीसीसी करवाना कंपलसरी है। अगर वो पीसीसी नहीं करवाते हैं तो सऊदी अरबिया के लिए उनका वीजा नहीं लगेगा। तो वो वीडियो देखने के बाद लोगों का अलग अलग तरीके का रिएक्शन आने लगा, लोग अलग तरीके का कमेंट करते हैं और उन कमेंट का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम वो लोग कमेंट करते हैं उन कमेंट का जवाब मेरे पास नहीं था। तो उन कमेंट का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई हम वाया दुबई होकर के जा रहे हैं तो क्या हमको पीसीसी की जरूरत पड़ेगा। कितने लोग कहते हैं कि भाई हम अगर पीसीसी करवाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा पीसीसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो हमको टेंशन बना हुआ है, तो क्या करें, हम बगैर पीसीसी का सऊदी अरबिया जा सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे जरूर करिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन रहे वो आपको मिल सकेगा। बात कर लेते हैं जो लोग कहते हैं कि भाई मैं पीसीसी अगर करवाता हूं तो हमारा पीसीसी रिजेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए, पीसीसी कंपलसरी हो गया है, आपको पीसीसी करवाना जरूरी है। अगर आप पीसीसी नहीं करवाते हैं तो सऊदी अरबिया के लिए आपका वीजा नहीं लगेगा, खास करके सऊदी अरबिया के लिए। ऐसे कई जगह पे पीसीसी लागू है कि अगर आप उस देश में जा रहे हैं तो बगैर पीसीसी का आप उस देश में नहीं जा सकते हैं। देखिए, पीसीसी कराने में सिर्फ सऊदी अरबिया या गल्फ कंट्री में आने के लिए नहीं होता है कि आप विदेश आ रहे हैं तो आपको पीसीसी करवाना जरूरी है। बहुत ऐसे काम होता है जो कि पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है, उसके बाद ही आपका आगे प्रोसेस होता है। जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल फोन, अगर आपको कार खरीदना है, गाड़ी खरीदना है तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि हम पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे? कराना पड़ेगा अगर आपको गाड़ी खरीदना रहेगा तो, ठीक है। और बाकी जो काम होता है उनमें भी अगर पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ा तो आपको कराना ही पड़ेगा। चलो मान के चलो, अगर आप नहीं कराते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर का किसी का भी पुलिस वेरिफिकेशन करा देंगे, ठीक है, वहां पे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहां पे विदेश में, गल्फ कंट्री में, सऊदी अरबिया आपको आना है तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, यानी आपको पीसीसी करवाना जरूरी है। तो आप डरिए ना, आप पीसीसी करवा लीजिए, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आपने पासपोर्ट बनवाया था, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, उस टाइम रिजल्ट अच्छा आया था, इस टाइम भी आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आप पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिए, उसके बाद आपका सऊदी अरबिया के लिए वीजा लगेगा, ठीक है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन का कोई अपडेट हमें बताइए, इमिग्रेशन कब तक चालू होने वाला है, तो इमिग्रेशन का कोई अपडेट नहीं है। इमिग्रेशन कब चालू होगा इस पे कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। जैसे ही इमिग्रेशन का कोई अपडेट आता है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद जो लोग इमिग्रेशन नहीं करा पा रहे हैं वो लोग वाया दुबई होकर के जा रहे हैं, अगर आप वाया दुबई होकर के जा रहे हैं, जिस एजेंट से आप अपना काम करा करके वाया दुबई होकर के सऊदी अरबिया आ रहे हैं, तो उस एजेंट से आप अच्छे तरीके से बात कर लेना, नहीं तो आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूं, वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वाया दुबई होकर के जाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका कहना है कि सऊदी अरबिया के लिए न्यू वीजा स्टैंपिंग हो रहा है कि नहीं, तो न्यू वीजा सऊदी अरबिया के लिए स्टैंपिंग हो रहा है। अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई मैं वाया दुबई होकर के जा रहा हूं, क्या हमको पीसीसी करवाना जरूरी है? देखिए, आप वाया दुबई होकर के आइए या कहीं से भी आइए, ठीक है, क्योंकि आपका वीजा स्टैंपिंग हुआ है सऊदी अरबिया के लिए और गमका मेडिकल आपका लगा हुआ है सऊदी अरबिया के लिए, तो आपको पीसीसी करवाना जरूरी है। अगर आप पीसीसी नहीं करवाते हैं, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो अनाउंसमेंट हुआ है
22 अगस्त से पीसीसी लागू हो चुका है, तो जरूरी है कि आप लोग पीसीसी करवा लीजिए। पीसीसी अप्लाई करने के लिए आप किसी साइबर कैप में चले जाइए, वहां से आप अपना पीसीसी अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे जाने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि आप किस लिए पीसीसी करवाना चाहते हो, क्या रीजन है, तो जिनका जो रीजन होता है वो अपना रीजन वहां पे बताते हैं, तो उनका पीसीसी अप्लाई हो जाता है। आपका जो रीजन होगा, जैसे आपको विदेश आना है, सऊदी अरबिया आना है, तो आप उनको कह दीजिए कि मैं सऊदी अरबिया जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पीसीसी करवाना चाहता हूँ। तो पीसीसी अप्लाई करने के बाद आपको वहां पे एक पर्ची देंगे, तो उस पर्ची से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।